पोता पोतिया भाभू के आ पुतो के क्यों रक्षण पर खड़ा किया रे तुम? क्यों खड़ा किया तुम? मांझी जी आवाज सुनाई दे रहा है? ए मांझी जी, अगर इंडिया में पॉसिबल है आपका मानसिक संतुलन का दिमाग का, तो यहाँ इलाज करवाइए, नहीं तो विदेश जरूर चाहिए। इधर भगदड़ मचेगा, कौन हरजन है, कौन गडेरिया है, कौन मुसहर, सब पता चल जाएगा 25 में। दोनों का मानसिकता खराब है, अब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पीछे कोशिश करेंगे। अरे तो गडेरिया बोलते हैं, अब हमारा कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव कौन जैसे शादी किए हुए? अरे कौन जानता जिन तरह मांझी को, कोई नहीं जानता, उनका नहीं है। आज सोचते हैं कि हमको तो कोई जानता है ये नहीं है, तो सुर्खियों में बने रहने के लिए शक है हमको। क्या आधार कार्ड चेक होना चाहिए? शक है हमको। क्यों आधार कार्ड चेक होना चाहिए? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार में जाति पे राजनीति ना हो तो फिर बिहार किस बात का? चुनावी मौसम आ चुका है और बिहार में जाति पे बातें जो है वो शुरू हो चुकी है। बात हम जीतन राम मांझी और लाल प्रसाद यादव की कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के द्वारा पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव को गड़ेड़िया कहा गया था, तो वहीं लालू प्रसाद यादव के द्वारा पलटवार में उनको मुसहर कहा गया था। हालांकि बिहार में अलग अलग जातियां हैं, इन पे राजनीति होती है और बिहार की राजनीति जातियों पे ही टिकी हुई है। लेकिन हम अब जनता का मूड जानेंगे कि जिस तरीके से ये दोनों राजनेता एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं, लालू यादव यादव नहीं गड़ेड़िया हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी जो है वो मुसहर है। तो चलिए हम जनता का राय जानते हैं, क्योंकि जनता तो जनार्दन होती है, चुनाव में उसी को फैसला करना होता है। तो चलिए सवाल करते हैं सबसे पहले हम जनता से और जानेंगे कि क्या जीतन राम मांझी के द्वारा जो बयान दिया गया कि लालू प्रसाद यादव गड़ेड़िया हैं, यादव नहीं है। नहीं, उनको गलत है, वो जैसे वो अभी बीजेपी में चल गए हैं तो बीजेपी वाला बोल रहे हैं, बीजेपी का बोल रहे हैं। बीजेपी का काम है उल्टा सीधा बोलना। अच्छा। या बिना राजनीति के, बिना मुद्दा के मुद्दा बना। पहले सबसे पहले जीतन राम मांझी बोले आग लगा नवादा में, तो यादव लगा दिया। अच्छा। यादव लगा दिया, अरे भाई तो यादव लगा दिया। अब ओकर बाद जब वो मुद्दा खत्म हुआ तो बोल रहे कि गड़ेड़िया है। ये तो गलत बात है, किसी के व्यक्ति अपने इस पे कहते हैं कि हाँ बिहार के आप कैसे ले चले हैं, क्या करना। यादव भी तो बोल दिए कि वो मुसहर है, मतलब बराबर का एकदम चल रहा है लड़ाई चल रहा है बराबर का, मतलब मुद्दा ही दोनों भटकाए हुए हैं। बीजेपी वाला भी मुद्दा पर नहीं आ रहे हैं, बीजेपी अपना सरकार बनाने के चक्कर में है। ये दोनों किधर लड़वा देंगे, परेशान किस तरह खड़ा किए हुए हैं। उधर से आइए, नीतीश कुमार के भी साइड करने के चक्कर में लगे हुए हैं, उस उधर से कोई लड़ाई नहीं है, जे इधर से लड़ाई है। मतलब बीजेपी का बहुत बड़ा एजेंडा चलने वाला है। बहुत बड़ा है ये एजेंडा, बहुत बड़ा है, ये सब 25 में दिखाई देगा, कहाँ कहाँ से होगा, जैसे गिनती आने लगा तब शुरू हो जाएगा। फिर तो भगदड़ मचेगा, कौन हरजन है, कौन गड़ेड़िया है, कौन मुसहर, सब पता चल जाएगा 25 में। तो सिर्फ फुड़ौल चल रहा है क्या ये मुसहर और गड़ेड़िया बोल के? देखिए यादव में सात जात होते हैं, किसनौत, कनौजिया, मजरौट, गोड़िया, ये सब होते हैं और वो यादव समाज में ही आते हैं, वरना कैसे होगा? अलग नहीं हुए, नहीं हुए कैसे? गड़ेड़िया और यादव में हमको फर्क बताइए ना। सात जात होते हैं यादव में, गड़ेड़िया भी यादव में ही आते हैं। हाँ तो जीतन राम मांझी ठीक बोले बोले हैं, गड़ेड़ी तो यादव समाज में आते हैं। मतलब जीतन राम मांझी सही बोले हैं लालू यादव को, है ना? हाँ लालू यादव भी सही बोले हैं, दोनों आदमी एक दूसरे को जाति पर टिप्पणी अच्छा किया है, ठीक किया है। देखिए जो दोनों राजनेता हैं, कहने का मकसद है कि अपना अपना जाति बताने या भड़काने से क्या फायदा है। जीतन राम मांझी मुसर हैं तो सही मुसर हैं, लालू प्रसाद अगर टिकपिनिया को यादव को टाइटल दिए तो यादव न हुए, ऐसा बात नहीं कि वो हो गए गड़ेरी। यादव से गड़ेरी थोड़ा होगा, गड़ेरी से यादव बनेगा, ये टिकपिनिया जहाँ कहना था कि लालू यादव जो है वो गड़ेरिया के जन्मल है, उनका एग्जैक्ट वर्ड यही था जो हम कह रहे हैं, जीतन राम मांझी एग्जैक्ट यही बयान दिए। देखिए अब तो जो अंदरूनी मामला है ये तो तालमेल इलेक्शन को हो रहा है, चुनाव मुद्दा बनाएंगे मांझी जी और ये भी बनाएंगे, दोनों को घसकाएंगे। किसका? जीतन राम मांझी को? अब दोनों के खराब है, मैंने लालू प्रसाद अब टिकपिनिया कर रहे हैं, ये भी टिकपिनिया, दोनों का मानसिकता खराब है, अब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पीछे कोशिश करेंगे। अच्छा। करेंगे नहीं, दोनों आपस में लड़ेंगे, तीसरा फायदा हो जाएगा। दो लोग लड़ रहे हैं और तीसरे को फायदा होगा, किसको होगा फायदा? तीसरा तेजस्वी यादव को होगा। तो
तेजस्वी यादव लालू यादव के ही बेटे हैं ना? हाँ हाँ, बात तो सही है। कैसे बात आगा, उन्हीं को तो गरेरिया बोला गया। अरे तो गरेरिया बोलते हैं, अब हमारा कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव कौन जैसे शादी किए हुए हैं? यहाँ जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव का है ना बात, कि वो दूसरे को एक दूसरे को मुसहर तो गड़ेड़िया बोल रहे हैं। अरे तो एक उम्र के हैं, हाँ। वो जीतन राम मांझी हो गए मामा, हाँ। नीतीश मामा हो गए, अच्छा। स्वर्गीय राम विलास पासवान मामा, तो वो सब तो एक बच के है, अच्छा। उनको कुछ बोलेंगे, उनको कुछ बोलेंगे, उनको कुछ बोलेंगे, एक बैच के हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। आप बताइएगा, जीतन राम मांझी जो गड़ेड़िया के जनमन बोले लालू यादव को, सही बोले? जो भाषा का प्रयोग जीतन राम मांझी जी लगातार कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज फिर बोल दिए कि दादा प्रदादा का नाम बता दिया। और जीतन राम मांझी क्या जन्म प्रमाण पत्र बांटने वाले पदाधिकारी हैं क्या बिहार सरकार में? अरे आप सेंट्रल में मंत्री बन बैठे हैं, महंगाई पर बोलिए, सरकार से सवाल कीजिए, शिक्षा पर सवाल कीजिए, रोजगार पर सवाल कीजिए, 15-15 लाख खाते में कब आएगा, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेगा, ये नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। आपने आप सेंट्रल में मंत्री बन बैठे हैं और जाति विशेष जो नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, बिहार की जनता इससे कोसों दूर जाना चाहता है। और आप बिहार में डेवलपमेंट कैसे हो इसके बारे में कहिए ना, तो आप जाति विशेष करके लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, मगर बिहार की जनता मुद्दे से आपको नहीं भटकने देगा। जीतन ये जनता भटकने नहीं देगी। जीतन राम मांझी का बयान तो आपको पता ही होगा, आज लालू यादव से दादा प्रदादा सबका नाम पूछ दिए। देखिए, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, जीतन राम मांझी का बिल्कुल, कुछ भी अनाप पनाप बोल दे रहे हैं। अच्छा। अरे नंदू पासवान मुख्य आरोपी था नवादा का, लेकिन इनको क्या पता यादव से क्या पर्सनल दुश्मनी हो गया है। मांझी जी, मांझी जी, आवाज सुनाई दे रहा है? ए मांझी जी, अगर इंडिया में पॉसिबल है आपका मानसिक संतुलन का, दिमाग का, तो यहाँ इलाज करवाइए, नहीं तो विदेश जरूर जाइए। क्या क्या कुछ भी बोल दे रहे हैं, कहीं भी यादव को टारगेट कर रहे हैं, खाली है खाली यादव को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, जो आप बोले कि गरेड़िया के वंशज हैं, लालू यादव के बारे में बोले हैं, अरे कृष्ण के वो वंशज हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं। यादव परिवार वैसा है कि कृष्ण भगवान के सारे यादव को अपमानित किए हैं। आप ऑन कैमरा के जल्दी से माफी मांगिए आप, नहीं तो इसका परिणाम आपको मिलेगा। और मोदी जी के केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इनको लंबित करके और इनको अपने पार्टी से बर्खास्त कीजिए आप, नहीं तो आने वाला परिणाम जो है, कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी गया में गए थे, गया में बोलते हैं कि राम जी काल्पनिक है, वहाँ के लोग जब नाराज हो गए तो मोदी जी ट्वीट करते हैं कि वहाँ से जीतन राम मांझी नहीं चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी आपको इस बार बोलने का मौका नहीं मिलेगा गया से, गया के लोग अगर उखड़ गए तब। और मांझी जी का जहाँ तक बयान है, ठीक है, तो वापस उनको लेके ऑन कैमरा माफी मांगना चाहिए, ये सारे यादव का अपमान है। अरे कौन जानता जीतन राम मांझी को, कोई नहीं जानता, उनका नहीं है। आज सोचते हैं कि हमको तो कोई जानता है ये नहीं है, तो सुर्खियों में बने रहने के लिए जीतन राम मांझी जानता है, हाँ, कौन जानता? मूसा जानता है, राइट। वो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री जो भी रहे, वो क्यों बोला यादवों पे टिप्पणी, ऐसा क्यों किया? लालू यादव भी पूर्व रेल मंत्री, इससे ज्यादा प्रतिष्ठित है। अच्छा। उसके सामने वो कुछ नहीं है, उसका कुछ औकात नहीं है। यादव आप है, रखिया देवी गरेड़ी है, उसी का बेटा लालू प्रसाद है, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। कोई बोले उससे मतलब नहीं है, गरे मरछिया देवी गरेड़ी है, गांव निकाल बाहर कर दिया, उनके दादा को हुक्का पानी बंद हो गया, बेटा बेटा और दोनों को निकाल बाहर किए, सुनिए। तब उसके बाद वो मौसीगंज जाके रही, गोपालगंज में, वहीं लालू जी पांचों भाई का जन्म हुआ। फुलवड़िया के हैं, हाँ फुलवड़िया के हैं, चारों तरफ ओल्टी गरेड़ी का है, एक उसी में वो है, ग्वाला का गांव अलग है, धोबी का गांव अलग है, भूमियार का गांव अलग है, गरेड़ी टोला में लालू जी का मकान है। आप कहाँ से, क्या नाम? हम पटना के रहने वाले हैं, जादव शिरोमणि खानदान के हम हैं, हमसे अच्छा। ज्यादा कोई नहीं जानेगा, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। आपका सफेद बाल तजुर्बा बताता है, वो तो है ही। हाँ। आई भी सुन लीजिए। हाँ। लालू यादव हमारे समझी भी लगते हैं, कैसे लगते हैं? हमारा भगना का शादी, अच्छा। उनके सेकंड बेटी से है, लेकिन सत्य सत्य है, हमारी बहन ने शादी किया था, हम नहीं ना किए हैं। अच्छा। वो आईपीएस थे, जीतन राम मांझी
छोड़े नहीं दिख रहा है आपको और उसको नवादा में जो आग लगा इसी घर में हाँ, कि यादव लगाया। सुनिए यादव का अपमान नहीं है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य। यहाँ अरे यादव कहाँ से आया सोन हमको बताओ, मेरा तो नहीं, मेरा तो जाति ग्वाला है। हाँ कह सकते हो, नहीं नहीं कह सकते हो, यादव कहाँ से आया ये बता। शक है हमको, क्या आधार कार्ड चेक होना चाहिए, शक है हमको। क्यों आधार कार्ड चेक होना चाहिए? चेक कराना है। आपको भरोसा नहीं है कि यादव? शायद हमारे पिताजी के नाम में यादव होगा। अच्छा, देख लीजिए, देखिए कैमरे पे जो है अब बिहार की जनता लड़ने लगी है यादव और गरेरिया में, है ना? पिताजी का नाम बड़े हैं कम से कम, तेज नारायण यादव। तेज नारायण यादव नाम है। ठीक है, अब जान गए, जान गए, बहुत अच्छी बात है दादा। बाकी अपना यादव, हाँ यादव जाति ने मान्यता दे के शामिल किया है, इसलिए कि लालू यादव का गरेड़िया से जन्म जरूर हुआ है, लेकिन उसके पिता का नाम ग्वाला था, यादव था, इसलिए उसको शामिल किया गया है। हमारी नीति यही थी, हम सच्चाई बताए, सच्चाई बताए। अभी हमारे भीम आर्मी से एक प्रयान ब्याह कई, शादी किया, तो क्या क्या पूरे चमार जाती, पूरे चमार जाती हमारा पंडित हो गया? बिल्कुल नहीं, नहीं हुआ। हमारे जो भी है, अगर जो भी जाति का अगर शादी कर लेता है तो क्या एक हो जाता है? लेकिन हमारा जो मकसद है कि दलित, ओबीसी, पिछड़ा, हम लोग एक प्लेटफार्म पर हम लोग आए हैं, तो अब इसमें फोड़ने के लिए बहुत तरह शतरंज का खेल हो रहा है, तो शतरंज अब नहीं चलेगा। अब 85% हम लोग हस्तिनापुर में हम लोग चढ़ाई करेंगे, 27 में चढ़ाई करेंगे, और 25 में हमारा तेजस्वी यादव रहेगा बिहार का मुख्यमंत्री, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीतन राम मांझी जो बोले वो सच बोले हैं। जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी वो 2010 में बोले थे, 2010 में बोले थे कि मुझे आरक्षण के क्या जरूरत है, तब पोता पोती भाभू के और पुतो के क्यों आरक्षण पर खड़ा किया रे तुम, क्यों खड़ा किया तुम? तुम कहता है कि हम अपने आप को दलित हैं, तुमको कोई अगर कोई नीतीश कुमार के एगो मंत्री खाली बोला तो तुमको हटा दिया, और अब आज चिल्लाने लगता है सांसद में, तो सांसद में मत चिल्लाओ, तुमको आना होगा भीम आर्मी में, भीम आर्मी में आना होगा। कोई भी दलित होगा उसको भीम आर्मी, बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में ओबीसी, अति पिछड़ा पिछड़ा, अगर हमारे पसमान का संख्या या किसी का भी जनसंख्या या राजपूत का संख्या या यादव का जनसंख्या वहाँ दो घर, 10 घर, 5 घर है, तो आप किसी को भगा दीजिएगा? है औकात आपको भगाने के लिए? तो अब जो है आंदोलन छिड़ेगा बिहार में, और छिड़ गया बिहार में, पूरे भारत में हम लोग अम्बेडकर वादी हैं और रहेंगे। ये जितना ना माझी जी बोल रहे हैं कि गरेरिया रहे भरेरे, देखिए वो सब कुछ नहीं है, यहाँ पर या उनको कुछ तो उम्र पर ध्यान दीजिए, और देते हुए कुछ अपना एसी में रहिए, खाना पीना कंट्रोल कीजिए, ना हो तो रांची में जाके इलाज करवा ले जितना ना माझी। थैंक यू। तो आपने बिहार की जनता को सुना है, जीतन राम मांझी के द्वारा जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को कहा गया, फिर बदले में लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी जीतन राम मांझी को कहा गया। हालांकि बिहार में चुनाव आने वाला है तो जातीय समीकरण और जातीय बयानबाजी तो होती ही रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।